सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा कहते हैं। आप सबको भलीभांति परिचित है, यहाँ 80% आबादी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में जुड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। पिछले महीने पूर्वी हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान ने जो तबाही मचाया एवं 24 घंटे की बेमौसम बारिश हुई, मौसम विभाग के अनुसार 42.8 मिलीमीटर बारिश आंकी गई। साथ ही इस बारिश का सिलसिला रुक रुक कर अनेकों दिन तक चलता रहा। इस वजह से खेतों में खड़ी फसल झुक करके गीली होने के कारण कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक जीएम दास की बताए अनुसार अधिक फसल देने वाले अर्ली वेराइटी फसल, जिसमें 10-10 आरबी गोल्ड, बलवान, महामाया जैसी किस्में हैं। साहू जी, ये सब इसमें नहीं है। हाँ, मैं धान का नाम ले रहा हूँ। धान का नाम ले रहा हूँ, वो नहीं लेना। जी, जो जी, लिखा है वही पढ़िए प्लीज। जी 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 सिर्फ सभापति महोदय, तो ये जो अर्ली वेराइटी का जो धान जो नुकसान हुआ है गीला होने के कारण, इस वजह से खेतों में फसल झुक कर गीली होने से कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ा, फसल को तबाही हुई। अधिक फसल देने वाले फसल वाले कृषकों का अधिक नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई कर पाना मध्यम और निम्न वर्गीय किसानों के लिए असंभव है। सो मैं किसान होने के कारण मेरे कृषक भाइयों के अंतरदशा को समझ रहा हूँ, तथा जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है जी, कि जिन किसानों के नुकसान हुआ है सर्वे करा करके किसान की मुआवजा दी जाए, और जो उनकी मुआवजा है बस थैंक यू।